अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर जोहादीनस, और आज जो क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ज्योमेट्रिक। सिंपल है, डिफरेंट है, और जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टेक्निक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत कम लोग इस टेक्निक को जानते हैं, सो मैंने कहा कि इसके लिए आपके लिए क्लास बनाई जाए अलग से। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने स्ट्रोक ओपन रखनी है, जैसा कि मैंने आपको ऑल डिटेल्स की क्लास में, प्ले लिस्ट की डिटेल्स में, इलस्ट्रेटर की डिटेल्स की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आपने किस किस तरह टूल्स यूज़ करने हैं। तो उसी तरह बिगनर हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आप जाएँ और जो है ना उधर से आप सीख सकते हैं। तो आपने स्ट्रोक ओपन रखनी है, ये स्ट्रोक ओपन रखी है, और जो है ना कलर आपने नल कर देना है। वो कैसे, जस्ट अगर ये कलर हुआ हुआ आपके पास, आपने जस्ट इस पर जाके नल कलर कर देना है। नल कलर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने फर्ज करें मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एलिप्स ले लेता हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके ये याद रखना है ताकि एग्जैक्ट सर्कल लगे। तो ये सर्कल आपने बना लेना है, ये सर्कल आपके पास बन गया है, और इसकी स्ट्रोक का जो साइज़ है 1 PD रखना है। ओके, देन आप क्या करेंगे, आप इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, देन ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये टूल आपके सामने खुल जाएगा जिस पर आज मैं क्लास दे रहा हूँ आपको। तो आपने जस्ट इसको प्रीव्यू कर देना है कि आप कितने वो जो है ना ग्रिड्स बनाना चाह रहे हैं। तो कितनी कॉपीज़ आप चाहते हैं सर्कल की, फर्स्ट करें मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे ना 30 copies इसकी बना दो। उसके बाद बर्थडे के लिए इसको मैं लिटिल बिट कम कर लेता हूँ, 89 कर देता हूँ, और ये ऊपर वाले को भी 89 कर देता हूँ। जब मैंने इसको 89 कर दिया तो ये शेप आ गया मेरे पास। तो ये आप देख सकते हैं सर्कल से हमने क्या किस तरह इसको बना दिया। तो इसको लिटिल बिट इस तरह मैं मूवमेंट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसको इस तरह भी मूवमेंट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, इस तरह मूवमेंट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो मेरी चॉइस पे है कि मैं किस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, स्केल एज इफेक्ट, इसके ऊपर से वो डार्क होगी और नीचे जा जाके लाइट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आप इसको मूवमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ओके कर लेता हूँ तो ये चीज़ हमारे सामने बन के आ गई। तो ज़बरदस्त इफेक्ट हमारे सामने आ गई है। तो हमने सर्कल पे अप्लाई किया, ये हम हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि मैं आपको एक रेक्टेंगल ले कर दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल में शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक रेक्टेंगल लगा ली, और मैं फिर इफेक्ट्स में गया, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गया, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दिया, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, फिर ऐसे प्रीव्यू कर दिया, और इसको मैंने 92 रख दिया, इसको 92 रख दिया, और इसको मैंने कर दिया कि मुझे ऐसा करो फॉल्टी बना दो। ओके, इसमें फॉल्टी बना दिया, फिर इसको लिटिल बिट इस तरह मूवमेंट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि एक इसकी पर्सपेक्टिव वाली शेप, जो हम मैंने पर्सपेक्टिव की क्लास आपको समझाई थी, तो उस तरह पर्सपेक्टिव शेप आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमने अप्लाई की और कितना ज़बरदस्त इफेक्ट हमारे सामने आ गया। तो इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले कर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्म में गया, ओके कर दिया, ओके, देन इसको स्केल को ख़त्म कर देता हूँ इस बार, और इसको लिटिल बिट इस तरह मूव कर लेता हूँ, इस तरह मूव कर लेता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ 32, ओके, देन इसको मैं लिटिल बिट मूव कर लेता हूँ, देन इसको इस तरह रोटेट कर लेता हूँ। वो मेरी चॉइस है कि मैंने इसको कैसे रखना है, इसका अगर छोटा करना चाहूँ, बड़ा करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक जो है रेक्टेंगल को मैंने कितना ज़बरदस्त से शेप से बना दिया। तो इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ,
तो ये शेप मेरे पास बन के आ गई है, आप देख सकते हैं। ये चीज़ हमारे सामने बन के आ गई। तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पॉलीगॉन एक ले लेता हूँ और इसको मैं जो है एफएक्स पे जाता हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और तो ट्रांसफॉर्म पे चला जाता हूँ, फिर व्यू कर लेता हूँ और इसको मैं 32 दे देता हूँ। इसको लिटिल बिट इस तरह कर लेता हूँ 37 पे, इसको इस तरह कर लेता हूँ और इसको मूवमेंट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इफेक्ट हमारे सामने आ गया है। तो अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहें रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, वाई ऐसे करना चाहें ऐसे रैंडम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसकी आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो ये चीज़ मैंने बना ली, तो एक चीज़ पर और मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि अगर आपने ये चीज़ बना ली है तो आपके पास ये ऑप्शन, आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको ऑप्शन दे देता है कि आप इसको राउंड कर सकें। तो ये राउंड करूँगा तो देखें इसके सारे कॉर्नर्स राउंड हो गए। इसी तरह इसको भी मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, इसको राउंड करना चाहूँ तो ये देखे सारे कॉर्नर इसके राउंड हो गए। तो ये चीज़ मैंने बना ली। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें कलर्स थोड़े से लगा लें ताकि थोड़ा बहुत मज़ा आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रोक पे जाऊँगा, ग्रेडियंट पे जाऊँगा। ग्रेडियंट पे ये ऑप्शन आपके सामने आ रही होगी। अगर ये सामने आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, आप जस्ट इसको जाओगे और ग्रेडियंट को टिक कर दोगे। टिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। तो जस्ट आपने स्ट्रोक पे क्लिक करना है ताकि आपकी स्ट्रोक विजिबल हो जाए। आपने फिर इसको सिलेक्ट कर लेना, मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर स्ट्रोक पे सिलेक्ट कर देना, फिर इस जगह पर इसको मैं चाह रहा हूँ जी इसको मैं ब्लू कर लूँ। पहले इसको मैंने सिलेक्शन कर लिया, डबल क्लिक किया इस पर, इसको मैंने ब्लू कर दिया। और मेरी चॉइस है कि मैं इसको जो है ना इस तरह मैं चीज़ों को करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इफेक्ट मेरे सामने आ गया। इसी तरह इस पर भी अगर मैं चाहूँ तो वो भी, इसको भी मैं थोड़ा बहुत रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट कर लिया, इस पर ये कलर कर लिया, इस पर डबल क्लिक किया, इसको मैंने जो है रेड कलर कर लिया और इस वाले को मैंने येलो कलर कर लिया। इसको अपनी मर्जी से मूवमेंट कर लिया। तो आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त इफेक्ट हमारे सामने आ गया है। तो अगर हम चाहें तो इसको ग्रेडियंट टूल के ज़रिए हम लोग और भी तरह में इसके, जिस तरह मैंने आपको ग्रेडियंट टूल में दिखाया था कि आप उस तरह भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप इस टनल को करना चाहते हैं, टनल पे क्लिक करके जस्ट आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है तो ये चीज़ आपके सामने बन के आ जाएगी। तो ये थी सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी क्लास। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट करें लाइक को और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है मैं आपको सब क्वेश्चन क्लियर करूँगा। तो यही कहना चाहूँगा, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अभी, क्योंकि मैं लाता रहूँगा इसी तरह प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स में आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जो आती हूँ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।